रात को टाइगर निकला, हाथी निकला, हाथी के पैर के निशान नहीं आते। मैं ऑफिस में आ गया हूँ सब कुछ लेके, बट यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये भैया बंदर को खोल के यहाँ से हमें जाना है बाहर, और हम जा रहे हैं डिकाला। तो ये है ऑफिस, अब यहाँ से हमें परमिशन लेनी है अंदर जाने की, तो चलते हैं अंदर। परमिशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बस अंदर जाना है। तो ये है ऑफिस, ये है हमारी गाड़ी, चलते हैं अब जिम कॉर्बेट वहाँ पर। बस इसको तो रास्ते में हमने हॉल्ट कर लिया है, यहाँ पे कुछ मंचीज ले ली हमने क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिलता है, और थोड़ी देर बाद हमें जब एंट्रेंस करेंगे गेट के अंदर, मेन गेट के अंदर, तो वहाँ वेरिफिकेशन होता है, परमिशन चेक होती है, सब कुछ चेक होता है, और उसके अलावा उसके बाद नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, नेटवर्क नहीं आता है, नेटवर्क यहीं पर ही आएगा, उसके बाद नेटवर्क चला जाएगा। तो और उसके अंदर अगर आप कभी भी आते हैं इन फ्यूचर, तो आपको एक बैग दिया जाता है, उसमें सारा कूड़ा डालना होता है और वापस कूड़ा वही में लेके आना होता है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी भी आए ना, तो प्लीज़ कूड़ा वहाँ फेंकना मत, साथ में वापस लेके आना। और आपको पर्टिकुलर एक बैग देते हैं जूट का कूड़ा फेंकने के लिए, तो उसी में आप कूड़ा लेके आना। तो अब चलते हैं उस जगह पे, लेट्स गो। तो हमें जाना है यहाँ से, निकाला है 31 किलोमीटर फ्रॉम है, रानीखेत भी जाता भाई यहाँ से रास्ता है, तो मुझे पता ही नहीं था। अब यहाँ पे हमें परमिशन दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। मैं ऑफिस में आ गया हूँ सब कुछ लेके, बट यहाँ तो कोई है ही नहीं बाहर। देखो अभी हमें ये मिलेंगे गार्बेज बैग्स, इसमें हमें सारा कूड़ा वापस लाना होता है, और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, तो मैं वेट कर रहा हूँ, एंट्री वाले का आएगा, एंट्री करेगा, फिर हम अंदर जाएंगे। ये है यहाँ का म्यूजियम, म्यूजियम में जैसे दिखाऊंगा नहीं, देखना होगा पता, पुराना वीडियो देखना, मैंने पहले भी डाला जिम कॉर्बेट का, उसमें अंदर का दिखाया। यहाँ रात को टाइगर निकला, हाथी निकला, हाथी के पैर के निशान नहीं आते। सांबर बंदर सब है, 28 फिर ऐसा आया घूम गया टाइगर, 22 तारीख। हाथी तो पालतू भी है यहाँ पे, तो पहले क्या होता था यहाँ पे कि लोग एंट्री करते थे डे वाले, जो इतना स्टे नहीं होता था, वो आते थे सुबह और शाम तक घूमते रहते थे, और इस साल से वो बंद कर दिए। अब मॉर्निंग में आओगे 11 o'clock चेकआउट कर दोगे, इस वजह से गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, बहुत कम दिख रही हैं, ना के बराबर आपको एक भी सफारी नहीं दिखे। तो अभी हम हैं शिकारी रोड में, क्रोकोडाइल पॉइंट, यहाँ पे क्रोकोडाइल दिखते हैं बहुत। अभी हमने जस्ट अब बैठ जाते हैं भाई। तो हम आ गए हैं, उतर गए हम, तो पहली मुझे लगता था यहाँ उतर नहीं सकते, लेकिन हम उतर गए हैं यहाँ पे। हम जा रहे हैं उस स्पॉट, एक स्पॉट में जहाँ से देखेंगे कुछ दिख जाए व्यू बढ़िया सा। मुझे लगा था यहाँ उतरना अलाउड नहीं है। देखो जहाँ जहाँ उतरना का है हम वहाँ उतार देंगे जरूर। अच्छा किसी बड़े अधिकारी ने देख लेना, ऑप्शन उड़ा सकता हमारे पास। चलने का टाइम हो गया है। क्यों भाई रोड पर तो खाएगा आजा कुछ आप नहीं,
जंगली सुअर जंगली आते हैं जब जाते फोन वो दिखा ना कैमरा देना पापा को ये बहुत खतरनाक होते हैं बात को खाते नहीं है बट जंगली सुअर चैंपियन रोड चैंपियन रोड चैंपियन रोड अरे हम तो नदी में पहुंच गए वो देखो घड़ियाल उधर लेटे हुए पार तो ये स्पॉट ऐसा है ना अगर आप चार घंटे बैठ गए ना यहाँ पे तो आपको बाइक दिखते ही दिखता है जगह पे हमारे भैया जो है ड्राइवर भैया यहाँ पे डिस्कवरी चैनल के साथ काम किया उन्होंने तो वो यहाँ यही स्पॉट में आते थे हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे आता ही आता है ऐसे मत आवाज मत निकाल पूजा वो भाग जाएंगे आवाज मत निकाल ना रोड में देख बहुत फास्ट है मम्मी देखती हूं मैं कि भाई आए नहीं है मेरे हेरे में हां आ गए चल तो रहे जूम मत करो जूम में फट जाती है फोटो ये देख जा रहा है हरिद्वार में मोर जल मांगे मोर ये नाच रहा था सांबर ये तो है 200 सांबर खड़े हैं यहाँ पे ये जाना एशिया का सबसे बड़ा डियर हुआ अच्छा एशिया का सबसे बड़ा होता है इससे बड़ा कौन सा होता है इससे बड़ा नील गाय होती है अच्छा नील गाय है चलो अब ले लो फोटो के भाई कर दो गाड़े बच्चा है ना ये भी इधर भी था इधर स्पॉटेड डियर है देखो राइट से आवाज आ रही है डियर है डियर टाइगर ने सुबह गए ना ऐसे 11 बजे पे जन होता था सुबह भैया कह रहे हैं सुबह नहीं था ये वाइट क्रिएशन लाफिंग थ्रस तो ये काला वाला मेल है बाकी तो फीमेल है ऐसे इसमें ये सुंदर दिखेगा ना ये तो मेल मिला का जो डार्क डाल करके मिलेगी और फीमेल मिलेगी तो अब हम पहुंच चुके हैं हाई बैंक यहाँ पे भी आप उतर सकते हैं नहीं यहाँ पे भी नहीं है मैं तो नहीं आया तो इस बार तो मैं तीनों नई जगह आया हूँ तीनों जगह नहीं आया था पिछली बार मैं इस बार सब नई नई जगह है और मैं यहाँ उतर भी सकता हूँ पहुंच गए हम टिकाला कैंप आज हमारा स्टे इधर ही होगा हां घूम गांव में आए इकट्ठे हो ये बंदर आ गया तुम्हारा ये काला आ गया टिकाला काला ये पार्किंग है काला यहां पे हमें एंट्रेंस तो यहां पे हमें वेरिफिकेशन देना पड़ेगा अपना तो हम रहे हैं कैंप ऑफिस में रास्ते में रुका था आगे इस बार हम रुकेंगे इधर तो ये है डबल स्टोरी तो अभी मैं जा रहा हूँ सामान लेने उसके बाद आपको रूम दिखाऊंगा कैसे रूम है यहाँ पे बाकी वो कैंटीन है वहाँ पे यहाँ पे बूफे सिस्टम होता है
और सब गाड़ियाँ लगी है देखो वहाँ पे। सबसे बेस्ट चीज़ मिली है ना हमें वो मिली बैल्कनी यहाँ पे मस्त एकदम। और व्यू देखो यार बैल्कनी से क्या तगड़ा व्यू है। तो ये है हमारा एंट्रेंस। आपको लॉक कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ अंदर बहुत होते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा बेडिंग, एक रूम यहाँ पे है, एक रूम ऊपर है ये लॉक्ड है, और ये है तीसरा रूम हमारा। और सबसे अच्छी चीज हमारे रूम की है बालकनी। तो ये बालकनी है हमारी और व्यू यहाँ से बहुत ही अमेजिंग हम देख सकते हैं। क्या रिवर दिख रही है यार, मजा आ गया। तो ये है मूवी थिएटर यहाँ का। मूवी तो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो मूवी खत्म हो गई थी हमारे पहुंचते ही, लेकिन ये दोबारा लगा रहे हैं हमारे लिए, देखते हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30 और पीछे देखिए व्यू कितना मस्त लग रहा है नदी के ऊपर। फिर अगर बादलों के ऊपर खड़े होंगे हम, और नीचे आवाज़ आ रही पत्तों की, ऐसा लग रहा है बाघ वाघ ना खड़ा चल रहा हूँ हमारी तरफ। उधर भी देख सकते हैं आप कितना सही लग रहा है। तो अभी यहाँ से निकलने वाले हम बस सफारी के लिए 10 मिनट में। तो सफारीज निकलने लगी धीरे धीरे, और हमारी बैल्कनी से इतना तगड़ा व्यू ना, अमेजिंग यार मज़ा आ गया। अभी अगर हम आगे जाएंगे वहाँ से भी बहुत सही व्यू आएगा, वहाँ चलते हैं। तो हम जा रहे हैं ग्रासलैंड्स की तरफ। तो ये पूरा ग्रासलैंड एरिया है, देखते फॉग कितना तगड़ा हो रहा है। देखो हिरन लाइन से जा रहे थे सारे। सनराइज हो रहा हूँ आगे, 5 मिनट में, 1 मिनट में आ जाएगा ये बाहर। सही लग रहा सनराइज। एक मिनट में आ गया पूरा बाहर। सनराइज
फॉरेस्ट आ गया है कमरपट्टा रोड पे। आगे ब्रिज वो लगा रखा है क्या आगे, वो कालाबाड़ जा रहा रोड? नहीं नहीं, यहाँ पे बंद कर रखा है शायद। हाँ, कालाबाड़ रोड जा रहा है ना, वो बंद कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेफ्ट राइट पर लगे। तो हम यहाँ से राइट या लेफ्ट जा सकते हैं, सामने नहीं जा सकते। कमरपट्टा रोड में यहाँ पर जनरली रोड पे दिखते हैं बैठे हुए। कोशिश कर रहे हैं टाइगर। लेवल कम होता है ना, ये रोड आगे उसमें जाती है, गांव में जाती है। कुछ दिखा है यहाँ पे, शायद क्रोकोडाइल होगा। सांबर रोड सांबर रोड है, लास्ट जो हमें यहाँ दिखा था टाइगर, इससे थोड़ा आगे। यहाँ पर ये दो जोड़े इधर ना, इस साइड वो मेल है, बाकी सब फीमेल। पूरा झुंड लास्ट ईयर यहाँ पे एक पुल हुआ करता था, मैं यहाँ से इस साइड गया था, ये पुल हटा दिया गया है, तो अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे टाइगर अंदर लेकिन दिख नहीं रहा है, उसकी मूवमेंट उस साइड से इस साइड की, वहां से इधर आ रहा है। और हमें टाइगर नहीं दिखा, ना लेपर्ड दिखा, चलो कोई बात नहीं, लास्ट ईयर देखा था, इस बार नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। आज मॉर्निंग में यहाँ देखा था टाइगर, यहाँ से ऊपर जाते हुए, अब पता नहीं कहाँ पहुँच गया होगा। बड़े बड़े सांबर है, फेवरेट फूड ऑफ टाइगर होता है। एक बार कैमरा निकालना पूछे। तो ये हमें कल दिखे थे, आज भी दिख गए, वाइल्ड बोर हमारी तरफ ही दिख रहा है। ये भी अटैक करते हैं। अरे बहुत खतरनाक होते हैं ये, तो शेर पे भी अटैक कर देते हैं ये लोग ना, जब झुंड में आते हैं डिस्कवरी में दिखाते तब देखना। तो वापस जाने का टाइम हो गया है।